हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरेट चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं अपनी अपनी लाइफ के अंदर, और बहुत कुछ अच्छा आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पॉजिटिविटी। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम उस एनर्जी के साथ आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, आप परेशान हो, आप क्या हो क्या नहीं हो। सो गाइस, बात ऐसी है कि जो भी अभी कंडीशंस चल रही हैं, कोविड की हो या फिर आपसी कोई भी चीज़ें हो, सो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करती हैं, ठीक है? बट मैं पूरी तरीके से मोटिवेटेड हूँ, लेकिन अभी जिस तरीके के कोविड के हालात चल रहे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा एनर्जी के ऊपर आता है, असर आता है, ठीक है? सो दैट्स वाई, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेल एंड गुड, वेल फाइन, पहले से काफ़ी स्वस्थ हूँ मैं और अच्छी हूँ, खुश हूँ। तो आप लोग भी इस तरीके की बातों को ना लेकर आए, धीरे 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 धीरे। देखो हर किसी का अपना एक एनर्जी स्केल होता है, ठीक है? तो मेरा एनर्जी स्केल कुछ इस तरीके का होता है कि मैं अचानक से सैड और अचानक से हैप्पी नहीं हो पाती हूँ। आई नीड सम टाइम, लाइक एक स्केल के हिसाब से, ठीक है? सो अभी थोड़ा सा बीमार होकर के मैं उठी हूँ, सो आई नीड सम लिटिल बिट टाइम कि मैं उस चीज़ को, उस ग्राफ को एडजस्ट कर सकूँ, ओके? तो उसके लिए आई होप सो आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और अपना अपना ध्यान रखेंगे कोविड में, बिकॉज़ ये मजाक नहीं है। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं है, ठीक है? तो इसे मजाक ना समझें, प्रॉपर अपना ध्यान रखें, ओके? चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज की रीडिंग, जैसा कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, वरदान रीडिंग है हमारी 48 आवर्स वाली रीडिंग, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत लोगों से रेजोनेट करती है, बहुत पावरफुल रीडिंग है अपने में ही। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने इसे अफर्मेशन दे दे के अपनी इस रीडिंग को पावरफुल बना लिया है। सो अफर्मेशंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर लाइफ, फॉर आर सेल्फ, फॉर आर सेल्फ लव एंड फॉर आर सक्सेस, ठीक है? तो आप लोग भी अपने आप को अफर्मेशंस देते रहिए। जैसे जब भी मुझे नेगेटिव फील होता है या मुझे मेरा सेल्फ एस्टीम लो नज़र आता है या मेरा कॉन्फिडेंस खराब सा होता है, तो मैं अफर्मेशंस देती हूँ, ठीक है? एंड आई विल फील इंस्टेंटली अ वेरी गुड वाइब इन माई सेल्फ, और वो चीज़ कहीं ना कहीं आप भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं भी कर सकती हूँ, हम सब कर सकते हैं। तो अफर्मेशंस को अपनी ज़िंदगी में, डे टू डे लाइफ में लेकर आए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी ब्यूटीफुल सी, खूबसूरत सी वरदान वाले रीडिंग की, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है आपके साथ, आपकी लव लाइफ के अंदर। बट अगर, वैसे तो लव लाइफ का ही है टॉपिक, बट अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर करियर आता है, देन डेफिनेटली आई विल लेट यू नो, ओके? चलिए तो शुरू करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, हो सकता है आप लोगों से अच्छे से रेजोनेट करे, हो सकता है आप लोगों से अच्छे से रेजोनेट ना करे, और मैं आप लोगों से हर चीज़ अच्छे तरीके से शेयर करती हूँ बिकॉज वी आर अ फैमिली, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। मन में प्रेयर ज़रूर करें अपने लिए, ओके? कोई भी प्रेयर आप लोग कर सकते हैं, कुछ भी चैंटिंग कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो कुछ अफर्मेशन से दे दीजिए, ओके? एक कार्ड गिरा है और एक ये वाला भी ले लेते हैं। सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेनिकल्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों के साइन हो सकते हैं, ठीक है? देन हमारे पास टू कार्ड्स और गिरे हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अगेन वाटर साइन, तो हो सकता है आप लोग वाटर साइन हो या फिर फायर साइन हो या फिर अर्थ साइन हो, ठीक है? आप या फिर आपके पार्टनर। बट ऑलवेज रिमेंबर कि जोडियक्स के ऊपर इतना ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना चाहिए, रेदर देन आपकी रीडिंग कितनी रेजोनेट हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स, तो काफ़ी खूबसूरत रीडिंग जाने वाली है हमेशा की तरह। हो सकता है आप लोग अपने करियर के अंदर बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो इस वक्त, या फिर आप अपने रिश्ते को संवारने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हो, बट हर कोशिश नाकाम हो जाती है, ठीक है? तो मैं इस कार्ड को यहां रखूंगी, फिर इसको रखूंगी, फिर इसको रखूंगी, ठीक है? थोड़ी सी पोजीशंस चेंज कर देते हैं। सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो अपने रिलेशन को लेकर के, बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शंस और बहुत सारी टेक्निक्स यूज कर रहे हो, बट यू आर अनेबल टू
ब्यूटिफाइंग दिस रिलेशनशिप, और आप काफी ज्यादा नेगेटिव भी फील कर रहे हो, काफी ज्यादा बर्डन सा महसूस कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको जैसे कि आपके अंदर से प्राण से ही चले गए हो, एंड यू आर नॉट फीलिंग एट ऑल गुड, बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा है आपको, काफी ज्यादा लो स्टीम सा महसूस हो रहा है आपको, आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीजें काफी ज्यादा खराब हो रही हैं, और आगे चल करके पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर होगा या नहीं होगा गाइज. लेकिन एक बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि दिस रिलेशनशिप इज अ वेरी ब्यूटिफुल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप, जिसके अंदर आप लोग हो सकते हैं सोलमेट हैं, और ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड होता है टू ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप लोग या तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं या फिर सोलमेट कनेक्शंस के अंदर हैं. दिस रिलेशनशिप इज योर फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव इट. आप लोग जरूर से जरूर मैनिफेस्ट कर पाओगे इस रिलेशनशिप को. देखो जिंदगी के अंदर मुसीबतें हर किसी की लाइफ में आती हैं, आज जरूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में, हमारी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो किसी की पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, किसी की हेल्थ की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, किसी को डिवोर्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हर किसी की जिंदगी के अंदर कोई ना कोई मसले आते रहते हैं. बट इट डजेंट मीन कि हम अपनी एनर्जीज को खराब करें. हाँ, होती है एनर्जीज खराब, ये बात सच है कि ह्यूमन टेंडेंसीज हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रॉयबल हम महसूस करते हैं, बट देन असली इंसान वही है कि अपनी एनर्जीज को वापस से ऐसे ऐसे संजोए, वो पूरा का पूरा ढेर वापस से इकट्ठा करे और उसको अपने आप में ग्रैब अप करे. ठीक है, दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस 3D वर्ल्ड से जाने के लिए, क्योंकि आगे आगे हालात और ख़राब होने वाले हैं इस 3D के. ठीक है, तो खैर स्पिरिचुअलिटी में नहीं घुसेंगे अभी, अभी हम रीडिंग ही करते हैं. तो बेसिकली अभी आप जो कुछ भी बर्डन फील कर रहे हो, आप बर्डन फील करना बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के ऊपर फोकस करो. क्यों? क्योंकि आपको नेक्स्ट 48 आवर्स में अपने पार्टनर की तरफ से किसी भी तरीके का कॉल रिसीव हो सकता है या फिर कोई मैसेज रिसीव हो सकता है. ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी ये विश फुलफिलमेंट हो जाए और आपको आपका प्यार जो है वापस से दोबारा से याद आना शुरू हो जाए. टू ऑफ कप्स का कार्ड जो हमें बार बार कह रहा है कि ये जो एक अंडरस्टैंडिंग वाला लव है ना, आपको वापस से विजुअलाइज होना शुरू हो जाए कि यार कुछ तो है. ऐसा भी हो सकता है कई लोगों को बटरफ्लाइज दिख रही हो, एंजलिक बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हो, बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे बार बार दिमाग में आ रहे हो. ठीक है, क्वीन ऑफ वांड्स, देखो एक एक कार्ड आपसे चिल्ला चिल्ला के एक ही चीज बोल रहा है, दैट जस्ट फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन योर फ्यूचर, फोकस ऑन योर सेल्फ लव, सब कुछ नॉर्मल होता ही चला जाएगा फॉर श्योर. ठीक है, क्योंकि देखो जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा, है ना, ऐसी बात तो है ही. फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड कुछ कार्ड और निकालते हैं. फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा खासा वाला झगड़ा करके आप लोग बैठे हुए हो, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास किंग ऑफ कप्स, बट दिस पर्सन हैव ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, ट्रू फीलिंग्स है इस पार्टनर के मन में आपको लेकर के, काफ़ी ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं. और ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन की तरफ से आपको कोई भी जो कॉल या मैसेज रिसीव होगा, तो आप दोनों की लड़ाई हो, किसी तरीके की जोर ज़बरदस्ती वाली झड़प हो जाए, ये बंदा आपको उकसा दे, आप बिल्कुल भी इस मत में नहीं होंगे कि यार मैं कोई लड़ाई करूं या मैं कोई झगड़ा करूं या मैं कुछ भी करने की कोशिश करूं, बट दिस पर्सन विल डेफिनेटली रीच यू एट दैट मोस्ट, वो जो टॉप वाली चीज होती है ना, वहां पे पहुंचा देगा और आपका आपको ना उकसा देगा पूरा अंदर से, और आप इस बंदे से लड़ पड़ोगे. ठीक है, सो लड़ना नहीं है गाइस. क्यों? क्योंकि दिस पर्सन विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट, या फिर ये पर्सन ऐसा भी बोल सकता है कि जैसे ही सब कुछ हालात सही होते हैं तो चलो मिलते हैं हम लोग. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मिलने के भी कार्ड्स हैं. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये बंदा कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ फ्यूचर प्लान कर रहा है, तो वो चीज़ भी सॉर्टेड होती हुई मुझे नजर आ रही है. लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में इस बंदे का जो भी कॉल मैसेज कुछ भी आएगा, तो आप लोग एक दूसरे से लड़ोगे, बहुत तगड़ा वाला, बहुत गंदा वाला झगड़ा होने वाला आप लोगों का. ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहे. चाहे ये पर्सन आपको कितना भी उकसाने की कोशिश करें, आप अपनी एनर्जीज को खराब ना करें, आप इस पर्सन से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि ये आपको उकसाएगा टोटली. ठीक है, ये आपको उकसा करके लड़ाई करने के लिए बार 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 प्रेरित करेगा, बट आपको नहीं होना है. एंड देन आप दोनों के बीच में फिर एक हॉट टॉक के बाद एक इमोशनल सा टॉक होगा, एंड देन आप लोग जो है कमिटेड रिलेशनशिप में दोबारा से कदम रखोगे. वी हैव सेक्सुअलिटी,
दिस पर्सन मिसेज योर प्रेजेंस अलॉट, बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंस को. सी मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में ही कि ये ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट रिलेशनशिप है आप दोनों का, तो ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है. और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, और देखो बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कमिटमेंट, ठीक है, तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा परेशान है. आपकी जो प्रेजेंस लाइफ में नहीं है ना इनके, उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली वाइब्स है यहाँ पे. सो गाइज, नेक्स्ट 48 आवर्स में अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो आप दोनों की कॉल मैसेज पे बात हो सकती है, झड़प हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है. लेकिन उस लड़ाई झगड़े के बाद, उस हॉट टॉक के बाद, आप दोनों थोड़ा सा कूल काम हो जाओगे, शांत हो जाओगे, एंड देन ये पर्सन आपको सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करेगा कि मैं कहाँ परेशान था, क्या नहीं था, एंड देन आप दोनों के बीच में कमिटेड रिलेशनशिप वाला सिनेरियो स्टार्ट हो जाएगा. बिकॉज दिस पर्सन मिसेज यू अलॉट, और इसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं आपसे शेयर करने के लिए, ठीक है. तो डेफिनेटली फॉर श्योर नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत लोगों के लिए उनके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो प्रॉपर होने वाले हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. इफ आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. किसी भी तरीके की पर्सनल पेड व्हाट्सएप सेशंस के लिए आप लोग मुझे मेल करें या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें. बाय.